बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको जद्दा चेकिंग की लाइव सूरत हाल है इसे अपडेट कर दूंगा। पहले आपको मैं कुछ लाइव वीडियो दिखाता रहा हूँ जद्दा से, खासकर जद्दा के सूरत हाल से अपडेट करता रहा हूँ। अभी तो मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन दोस्त अखबार वहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरे गपशप उनके साथ रहती है और जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल सामने आ रही है इससे आपको अपडेट करूंगा। आपको ये भी क्लियर कर दूं, शाहिद खास एंड आमल मंजरी अफराद हैं जी, वो खरूज लगवा कर वापस क्यों आ रहे हैं, इसी वीडियो में इसके ऊपर भी थोड़ा तबसरा कर लेंगे, जो कि अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। क्लियर बात है जी, ऐसा ही हो रहा है। जो मेरे भाई शाहिद खास एंड आमल मंजरी वगैरह हैं वो इसके मतलब बाखूबी जानते हैं। सॉरी, मैं बात आपके साथ करता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा। पाकिस्तान में वैसे मौसम इस वक्त भी प्यारा है जी, हालांकि मार्च का आधा से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन रात को और फर्स्ट टाइम पे भाई मस्त किस्म की सर्दी होती है, तो ठंड होती है, यानी कि ठंडी हवाएं चलती हैं, जो कि मज़ा आता है। बहरहाल, अगर चेकिंग के मुतल्लिक बात करें, और जो दोस्त अखबार अभी बोल रखे हैं वो जी बोलते हैं जैसा कि पहले काम चल रहा था वैसा ही काम अभी भी चल रहा है, लेकिन चेकिंग जारी है। अब खरूज के मुतल्लिक जो आपके साथ मैं बात कर रहा था वो ये है जी, कुछ दोस्त मैं जिनको जानता हूँ खुद से, शाहिद खास एंड आमल मंजरी महना वाले, वो खरूज लगवाकर वापस आ चुके हैं। इसलिए वापस आ चुके हैं कि वो बोलते हैं कि हम अपने कफील के पास गए हैं अपना इकामा रीन्यू करवाने, या उसके पास ये इसलिए गए हैं कि भाई अकद का कोई पेपर वगैरह अभी हमें दे दो, 3 माह का, जैसा कि पहले हम उससे लेते थे। इसके ऊपर भी काम चल जाता है, कफील अकद यानी कि पेपर लिखकर दे देता है और बोलता है कि मेरे पास काम नहीं है, मैंने इसको बाहर फलां बंदे के पास या फलां जगह के ऊपर इसको छोड़ा हुआ है, ताकि अपना को काम देकर अपना को थोड़ा बहुत पैसे वगैरह जो भी है अपने कमा ले, मेरे पास अभी काम नहीं था। तो कफील ने आगे से हमें ये बोला है कि आप, मैं अकद अभी नहीं कर सकता जैसा कि पहले करता था, तो इसके लिए सॉरी। जाहिर सी बात है, कोई भी शाहिद खास आमल मंजरी छोटा महीना वाला बंदा भाई जब भी कहीं काम के ऊपर पकड़ा गया उसके ऊपर 50,000 रियाल तक का फाइन और 6 माह की कैद हो सकती है। ये आपको क्लियर कर दूं मैं, हर शाहिद खास आमल मंजरी को, खासकर जो बंदे ये महीना वाले, उनको मैसेज भी आया है जैन सिम या STC या मोबाइल कोई भी सिम आपके पास उसके ऊपर, ठीक है जी। वो बंदे बोलते हैं वो हमारा कफील अभी अकद नहीं कर रहा है, और ऊपर से हमने अगर उसको बोला कि फिर हम पकड़ेंगे, तो बोलता है अभी अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आपने काम करना है, तो फिर बेहतर यही समझा है कि अपनी जिम्मेदारी के ऊपर खुदा न खवास्ता कहीं पकड़ेगा तो मुश्किल होगी, तो खरूज लगवाकर वापस चले जाते हैं। खरूज लगवाकर जो भाई वापस आ रखे हैं उनका वैसे जहन तो यही है जी कि 2-4 माह 6 माह यहाँ पर गुजारेंगे, जब सख्ती थोड़ी कम हो जाएगी फिर वापस चले जाएंगे न्यू वीज़ा लेकर। तो अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है जी, चेकिंग वैसे ही है जैसा कि पहले थी, लेकिन जो इलीगल अफराद है उनको भाई जाहिर सी बात है जब भी पकड़े गए उनके लिए मुश्किल है। जो बिल्कुल क्लियर नहीं, यानी कि जिनका महीना वगैरह बढ़ा है, अगर बाहर दिहाड़ी भी लगा रखे हैं तो कोई किसी किस्म की जायद उनके लिए यानी कि टेंशन उनके लिए नहीं होने वाली है। बेसिकली तो भाई यही बोलूंगा जी, जिनका इकामा बिल्कुल ओके है जी, कागजात ओके हैं, यानी कि वो शाहिद खास है या अमल मंजिली हैं, आप बड़ी मालक क्या, फैसले क्या, बवादी क्या, सऊदी का कोई भी इलाका है, अभी जहां मर्जी घूमे कोई किसी किस्म की टेंशन ही आपको होने वाली है। हाँ, जिनका महीना ये नहीं है और महीना कुछ और है, या ये यही महीना वाले काम के ऊपर जाएंगे फिर मुश्किल है, और उसके अलावा आपका इकामा लगा हुआ है तो जहां मर्जी जाए या आपको शुरू करोगे का इकामा चेक करेगा, बस ठीक है, इसके ऊपर नहीं आपको पकड़।